हेलो गाइस, मैं प्रतीक राज। आज हम रिव्यू कर रहे हैं महिंद्रा थार। ओनरशिप रिव्यू है यार, मेरे को 3 महीने हो गए इसे यूज़ करते हुए। मैं फुल आज इसका ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, देख लो यार। पहला पॉजिटिव है इसका रोड प्रेजेंस। भाई क्या रोड प्रेजेंस है भाई गाड़ी का, फॉर्च्यूनर एंडेवर सबसे हट के भाई, अलग है भाई, जबरदस्त गाड़ी है भाई। दूसरा भाई इसका जो पावर है ना यार, 2200 cc का इंजन है इसमें, एम हॉक का डीजल इंजन आता है, 130 bhp, क्या ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है भाई। और इसका भाई टायर साइज देखो भाई, 18 inch का सीएट का आता है, 255/65 सीएट ऑल टेरेन टायर से भाई। मेन जो भाई इसका ये खासियत है यार, देखो यार ये 4x4 देख रहे हो। अब इन रास्तों पे जहाँ पे ट्रक व्रक फंस जाए, अगर कल को नौबत आ जाए खींचने की, भाई कोई नहीं सक पाएगा भाई, यही खाली सक पाएगा भाई। जो प्राइसिंग में आता है भाई, गाड़ी बहुत ही जस्टिफाई करता है भाई प्राइसिंग को। ये मैंने ली थी ऑन रोड, लगभग करीब पड़ गई थी सब मिला उला के। ये मैंने हेडलाइट भी चेंज कराई, बहुत ही अच्छा है। रात में मैं दिखाता हूँ इसका लाइट, बहुत ही फॉग लैंप भी रिप्लेस करवाया। इस थार में जो लग के आते थे ना नॉर्मल वाले से, एकदम हैलोजन टाइप लाइट्स, क्या बोलूँ मैं, इतना रद्दी यार, कोई रात को दिखता ही नहीं था रोड यार, इसलिए मैंने चेंज कराया है। मैंने मेरे को मतलब पूरा मान लो 20 लाख पड़ गया था ऑन रोड। फिर मैं दिखाता हूँ इंटीरियर, दिखाता हूँ देख रहे हो सीटिंग पोजीशन, देख रहे हो यार क्या है सीटिंग पोजीशन, जबरदस्त भाई, बहुत प्रीमियम केबिन लगता है भाई अंदर का। इसका जो इंजन है भाई, काफी रिलायबल इंजन है और बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग है। इसमें आपका लंबा सपोर्ट भी आता है, ये ऑप्शन सॉफ्ट हार्ड कर सकते हो सीट इसमें भाई। ये इसका कुछ इंफोटेनमेंट स्क्रीन है यार। आजकल की गाड़ी में यार वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आता है यार, इसमें देखो यार भाई केबल लगाना पड़ता है यार, क्या बोले यार। देखो अभी जैसे गाड़ी चला है 3679, ठीक है, और यहाँ पे टोटल फ्यूल इकोनॉमी भाई देखो 13.8, वही 14 समझ लो लमसम, 14 के हिसाब से तो बहुत सही एवरेज है भाई मेरे हिसाब से। टाउन ही में चला है भाई गाड़ी, 14 का ठीक है भाई गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैं इसको चलाया हूँ, मैं इसकी मंदिर मणि ले गया था तभी 14 की एवरेज दी थी, बहुत ही ख़राब रास्ते थे भाई, वीडियोज़ में आपने देखा होगा। और इसमें भाई मुझे एक शिकायत है, देखो आमरेस तो मैंने बता दिया, पीछे के लिए भी आमरेस नहीं है यार, और साइड में ये जो है ना यार ये व्हील आर्च, बाहर से तो अच्छा लगता है यार, अंदर से देखो यार बहुत ही चीप क्वालिटी का रखता है यार। और इधर साइड साइड देखो यार स्क्रू निकला हुआ है, इसको कुछ कवर भी नहीं किया महिंद्रा वालों ने। और भाई इसका म्यूज़िक सिस्टम, भाई म्यूज़िक सिस्टम इसका सही नहीं है यार, बाकी तो बाकी सब तो बढ़िया है यार। मैं इसमें देखो यार एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आता, मैंने बाहर से इंस्टॉल किया हुआ है एम्बिएंट लाइटिंग, तो बस यही हिसाब किताब है भाई इसका। भाई इसका डिसएडवांटेज देखो यार, इसमें बूट स्पेस बस यही है भाई इसका यार, कुछ जगह ही नहीं है भाई बूट में यार। देखो यार अगर मेरे को कल मान लो कहीं ट्रिप पे आना है यार, सामान तो इसमें अटेगा ही नहीं यार। लेकिन माइलेज है भाई, अगर इतना बड़ा गाड़ी लेके आप जा रहे हो तो इतना तो चलता ही है भाई। इसमें दूसरा नेगेटिव है भाई इसका, देखो गाड़ी बहुत अच्छा है भाई, इसमें आमरेस नहीं है भाई। देखो सब गाड़ी में आमरेस होता है यार, देखो बॉटल होल्डर तो दिया है भाई लेकिन आमरेस नहीं है भाई, देख रहे हो ना। हमारा इसमें देखो दो पैसेंजर तो आगे कंफर्टेबल बैठ जाएंगे, लेकिन पीछे दो पैसेंजर नहीं बैठ पाएंगे पीछे। देखो और पीछे जाने के लिए ना हमेशा इसको ये करके, एक हुक है इसको उठा करके पीछे आना पड़ता है यार। देखो यार तुम लोग पीछे बैठते नहीं, हम ज़्यादातर दोस्त वोस्त में बस ऐसे पीछे बैठते हैं, और तो ऐसे कोई बैठ नहीं सकता। ये भाई गाड़ी दो ही सीटर गाड़ी है भाई, जैसे वीकेंड्स हो गया, वीकेंड्स ऐसे चले गए, बस यही है भाई गाड़ी में दो ही सीटर गाड़ी है। यार बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आ गई है, अगर आपके पास अभी 20 लाख रुपए हो, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी है। XUV 700 आती है और महिंद्रा की अभी नहीं आ रही है आपकी स्कॉर्पियो एन, तो चलिए हम लोग अभी आम पब्लिक से पूछेंगे अगर आपके पास 20 लाख हो तो कौन सी गाड़ी देगी। हेलो हेलो गाइस, भाई थार बहुत अच्छा है मुझे। हाँ जी चलिए, जैसे आप लोग नॉर्मल पब्लिक हो ठीक है, आप लोग के पास अगर 20 लाख रुपए आपको गाड़ी लेनी, कौन सी भी गाड़ी लोगे? मैं तो थार ही लूंगा भाई, थार इज थार। ये बात तो सही है, मर्सिडीज तो ऑडी रख लो लेकिन मैं तो थार लेने वाला हूं भाई। रोड प्रेजेंस ही वैसा है क्या भाई? बहुत अच्छा भाई, और ब्लैक कलर यार बीस्ट है एकदम, वही ना। चलिए ये लोग दोनों नॉर्मल पब्लिक है, इससे पूछते हैं बताइए। जी हम भी थार लेंगे। चला गया ऑप्शन स्कॉर्पियो आई है भाई, नहीं स्कॉर्पियो एन XUV 700 क्योंकि थार कार नहीं है, थार थार हां चलो महिंद्रा थार ठीक है। और आप प्रेफर करेंगे थार ही लेने के लिए? थार ही करेंगे, बहुत जबरदस्त गाड़ी है। और बच्चा से ही पूछो क्या लेगा आगे जाके। बाबू गाड़ी कैसे लग रही है? या मुझे तो गाड़ी बहुत अच्छी लगी यार, गाड़ी अच्छी लगी ना। देखो और साथ में प्लेन भी आ रहा है यार,
मस्त है ना, प्लेन लोगे थार लोगे ना, मस्त लग रहा है ना गाड़ी। देखो लाइट भाई, क्या ही लाइट है भाई। ऑन करना हेडलाइट, हाँ लैंप भी। कैसा लग रहा है थ्रू, कैसा लग रहा है जब इस तरह? अच्छा लग रहा है। ये रहा गाड़ी का वीडियो है, और गाड़ी इतना पावरफुल है कि मुझे एक बार के लिए डर लग रही है कि कैसा गाड़ी है। देख लो आप अपने सामने से, हाँ थार दिखे ना, जाओ देखो देखो जाओ। कैसा लग रहा बाबू? भैया मुझे तो थार बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी ना, चलो भाई मिलते हैं फिर आएंगे फिर। क्या नाम हुआ आपका? सुभोजित चंद्रा। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके सुभोजित, मिलते हैं फिर ना। ओके भाई।